ये ट्रैपडोर स्पाइडर्स का हंटिंग टेक्निक है और सच में खतरनाक है। एक्चुअली जो नॉर्मल स्पाइडर्स होते हैं वो नॉर्मली जाल बनाते हैं और जब उसमें कोई इंसेक्ट फंसता है तो उसे खाते हैं, पर ट्रैपडोर स्पाइडर्स बिल्कुल अलग होते हैं। ये क्या करते हैं कि जमीन में 10 इंच तक का गड्ढा बनाते हैं और उसके ऊपर एक पतला सा कवर भी बनाते हैं जो एक साइड से चिपका रहता है। अब ये स्पाइडर्स अपने उसी होल में आराम से बैठे रहते हैं और आसपास के वाइब्रेशन को नोटिस करते रहते हैं, और जैसे ही इनके होल के पास कोई इंसेक्ट आता है इनके वाइब्रेशन को महसूस करते फौरन बाहर आकर दबोच लेते हैं। और हाँ, ये वेनमस भी होते हैं तो आप बच के रहना।